तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर कैसे करें। ज़्यादा आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो अपने मोबाइल को घर बैठे ही सॉफ्टवेयर कैसे करें। दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं, दुकान में जाने से 2000 मतलब 200-300 रुपये वो लोग ले लेते हैं और बहुत ही खर्चा आता है। और मैं वो भी बताऊंगा कि आपको क्या बोलते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के बाद अपनी फ़ोटोज़ कैसे सेव कर लेने हैं। पहले देखिए अपनी फ़ोटो मतलब अपनी जो पूरी डाटा है वो अपने जीमेल अकाउंट में डाल देना है। दोस्तों आपको जीमेल अकाउंट में डाल देना है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या बोलते हैं अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर कैसे करें। तो सबसे पहले आपको आ जाना है सर्च पे, अपने सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग अपने मोबाइल के सेटिंग पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे 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 आ जाना है। ये देखिए आपको यहाँ नीचे नीचे आ जाना है। फिर आपको देखेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पे आ जाना है आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पे। तो यहाँ पे अपनों को क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है। तो मेरा नहीं होगा, अगर आपका स्टोरेज देखिए फुल है तो आपको कुछ स्टोरेज कम करना पड़ेगा। पूरी फ़ोटो जीमेल में डाल के पूरी मोबाइल का डाटा डिलीट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे टच कर देना है, ये ऑटोमेटिकली अपना सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। तो इसके बाद अपना सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा और यहाँ पे न्यू फीचर भी आपको देखने को मिल जाएंगे अपने मोबाइल में। अब तक आपने ये सेटिंग नहीं देखी होंगी तो आप जाइए अपने सेटिंग में और कीजिए। और यहाँ पे घर बैठिए अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर कीजिए। ये देखिए यहाँ पे रिकमेंडेशन है और न्यू रियलमी UI वर्जन, मतलब यहाँ पे आपको नए नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जिस कंपनी का भी अपना फ़ोन है तो आपको हर मोबाइल में ये सेटिंग देखने को मिलेंगी। तो आदि इसके बाद ये अपडेट करने के बाद आपको पूरा मोबाइल स्मूथली चलने लगेगा। तो जाइए, जाके कीजिए अगर अभी तक आप लोगों को पता नहीं था। तो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो में आगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।